पहले तो मैं जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं उनको बार बार बोलता हूँ यार, एक तो गाली गलौच मत करो, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ कि लोग जो हैं थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं सोशल मीडिया पे। और ये मैं सालों से कह रहा हूँ एक्चुअली, अगर गाली किसी को देनी है, वैसे तो देनी नहीं चाहिए, और मुझे पता नहीं मुझे ये एडवाइस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बट अगर गाली किसी को देनी है तो उसके मुंह पर दो यार, ये पीठ पीछे कुछ नाम हैंडल फैंडल के पीछे मत दो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत घटिया बातें करते हैं हमारे बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो मैं अपने जो मुझे चाहने वाले हैं या प्यार करते हैं, मैं उनको फैंस कभी नहीं बोलता, उनको लगाव है मेरे साथ, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट बार बार करूँगा, लगातार करूँगा कि घटियापन मत करना यार, बाकी जो प्यार है वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था, बहुत एक सीनियर लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी तुम्हें दुख हो उनके पास जाओ जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। और मुझे जब भी कुछ लगता है कि मैं डाउन हूँ या क्या हूँ, अभी आज ये जो मेमोरी है मेरी कि इतने सारे लोग घर के सामने खड़े हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और मैं उनके बीच में जब जाता हूँ जो मुझे चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो दोस्तों की क्षति है वो पूरी करते हैं, जो कमी है वो पूरी करते हैं। तो मेरे फ़ैन नहीं है, मेरे दोस्त हैं। अब मैं उनसे मिल नहीं सकता, शायद उनको शक्ल से नहीं जानता, नाम से भी नहीं जानता, लेकिन समवे डाउन द लाइन इट कीप्स मी गोइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बे इंतहा प्यार करते हैं अनकंडीशनली, और मैं गलती भी करूं तो उन्हें अच्छी लगती है, अच्छाई भी करूं तो अच्छी लगती है। और दोस्त का काम यही होता है कि दोस्त जो है जैसा भी करो तुम्हारे साथ रहता है। सो थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द दोस्त फॉर बीइंग सो लविंग टू मी, दैट्स ऑल आई कैन से। आई थिंक ऑफ देम एज माय बेस्ट फ्रेंड्स। हाय खान साहब, आरजे आलोक हियर